यस, फिफ्थ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. इट कॉस्ट रुपीज 2000 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेजल 10 मीटर डीप. हाइट ऑफ द वेजल इट इज गिवन टू बी 10 मीटर. हाइट ऑफ द वेजल इज गिवन टू बी 10 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is given to be 20 rupees per meter square. Rupees 20 per meter square is given to be the cost of painting. Painting का जो cost है वो हमें दिया हुआ है rupees 20 per meter square. Right? चलिए देखें जरा क्या find करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेजल. आपको याद होगा हमने 13.1 में एक क्वेश्चन किया था जिसमें आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर वी आर गिवन द टोटल कॉस्ट. कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट? जिसका भी कॉस्ट निकालना है उसको यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, यू गेट द टोटल कॉस्ट. अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ painting the inner curved surface area is equal to 2200. 2200 is the cost of painting the inner curved surface area. Boys, please behave yourself. Cost of paint the inner curved surface area is given to be this. और कैसे निकालते हैं किसी चीज का कॉस्ट? अगर हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की पेंटिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब कैसे निकला होगा ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द वे टू फाइंड टोटल कॉस्ट. किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए उस इज इक्वल टू 2200. किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए वी मल्टीप्लाई दैट थिंग बाय द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. नाउ द वेजल इज सिलेंड्रिकल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. आई एम यूजिंग द फॉर्मूला 2 पाई आर एच. कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 20. दिस इज 2200. सो यू आर हैविंग 2 इनटू 22 by 7 into R is the radius we want to find, into H is 10, into 20, 2200. Let us solve it for R because first of all we want to find the सबसे पहले हमें inner curved surface area find करना. इसको भी मत replace करो. First of all, we want to find the inner curved surface area. Let it be as it is. So, inner curved surface area. This is 2200 over 20. And that is 110 meters square. Firstly, we need to find the inner curved surface area. So therefore, no need to replace the formula. Let it be as it is. Now, below inner curved surface area, write down the formula. This is 2 pi r h. 110. 2 by RH 110, replace the values. 2 into 22 by 7, R we want to find, radius is 10. This is 110. So R is equal to 110 into 7 over 2 into 22 into 10. Dekho kitna aa raha hai R. 7 by 4 is our answer for R. After solving it, you will get 7 by 4. Radius of the, you can say, vessel, it comes out to be 7 by 4. 7 by 4 yaar. Radius of the vessel, it comes out to be 7 by 4. Now we want to find the capacity of the vessel. That means its volume. Capacity of the vessel.
कैपेसिटी इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर मींस 7/4 टू टाइम्स इनटू एच, सॉल्व एंड गेट द वॉल्यूम. हाँ जी, कैलकुलेशंस अपने आप करना आप. लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6. और आने दो क्वेश्चन नंबर 6. यस, लुक एट द स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6. देख लो फिर बातें हुई जा रही हैं उधर. धैर्य, वियर योर मास्क प्रॉपरली. Sixth question, the capacity of the closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. हमारे पास cylindrical vessel की जो है वो capacity दी हुई है और साथ ही उसकी height दी हुई है. He says, how many square meters of the metal sheet is needed to make such vessel? अब जब हम क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बना रहे हैं तो नेचुरली उसको बनाने के लिए जितनी शीट लगेगी दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द गिवन कंडीशन वी विल फाइंड द हाइट. पहली कंडीशन, हाइट गिवन रेडियस, राइट डाउन. वॉल्यूम इज इक्वल टू 15.4 लीटर. इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो. कैसे करते हैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट? How to convert liters to meter cube? Divide by 1000, multiply by 1000, decide कर लो. देख लो. एक 1 meter cube is equal to 1000 liter. मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. मीटर क्यूब में लीटर से जाने के लिए मल्टीप्लाई और लीटर में द्वारा मीटर क्यूब में आने के लिए डिवाइड. सो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच, 0.0154 मीटर क्यूब. आई कन्वर्टेड द कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इन द यूनिट ऑफ मीटर क्यूब. Let us write the values of pi. This is pi is 22/7. R is to be find out. H is 1. So, further it is equal to R square 0.0154 into 7. Over 22 into 1. Decimal हटा दो. This is R square is equal to 154 into 7. नीचे 1000 आ जाएगा decimal हटाने के बाद. Sorry, 10,000. चार digit है, नीचे 4 zeros आ गए. This is cutting with 7. सीधा 22 के table पे. Square shift from mother side will become square root. Square root of 49 is 7. और नीचे दो zeros में से एक zero. 0.07 meters. This comes out to be the radius of the vessel. Yes, quantity of metal sheet U is equal to total surface area
इसी में ही कि कितना स्टील चाहिए बनाने के लिए। अब इसमें कैलकुलेशंस पाई आर आर आपके पास आ गया, एच आ गया, पुट करो, यू विल गेट द आंसर। क्वांटिटी ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द वेसल, दिस इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया एंड अकॉर्डिंगली यूज द फॉर्मूला 2πr × h + r। हाँ जी, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, अपने आप करना बाद में। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ लेड पेंसिल, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। कैलकुलेशंस घर जाके कर लेना, अगला क्वेश्चन देख लो। लेड पेंसिल इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। डायामीटर ऑफ पेंसिल इट इज 7 mm एंड डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। देखो ध्यान से, इस तरह से हमारे पास पेंसिल है, वुडन पेंसिल, दिस इज अ ग्रेफाइट इनसाइड। पेंसिल का डायामीटर आउटर डायामीटर होगा एंड दिस इज गिवन टू बी 1 mm 7 mm, और जो ग्रेफाइट का डायामीटर है ये आउटर डायामीटर होगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। डायामीटर ऑफ द पेंसिल, वुडन पेंसिल आउटर डायामीटर हो जाएगा, वो कैपिटल डी ले लिया मैंने, दिस इज 7 mm एंड डायामीटर ऑफ द ग्रेफाइट विच इज फिल्ड इन द पेंसिल दैट विल बी नेचुरली स्मॉलर एंड दैट आई एम टेकिंग टू बी विच इज गिवन टू बी 1 mm। हाइट जो है वो दोनों केसेस में सेम रहेगी, वी ऑल नो पेंसिल जब हम बाय करते हैं उसके अंदर का ग्रेफाइट और बाहर का जो पेंसिल का वुडन स्ट्रक्चर है दे आर हैविंग द सेम हाइट एंड इट इज गिवन टू बी 14 cm। आंसर देखना इसमें सेंटीमीटर में निकाला है कि एमएम में। सेंटीमीटर में, तो एमएम को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर को डिवाइड बाय 10। चलिए, सो सबसे पहले दिस विल बी डिवाइड चेंजेस इनटू सेंटीमीटर 0.7 एंड दिस इज आल्सो 0.1। Now these are the diameters. You need to find the radius, capital R. (0.35) will be the outer radius. (0.05) will be the inner radius. 0.35 will be the outer radius and 0.05 is the inner radius. मैंने ना, मैं तीनों को क्लास से बाहर निकाल देना, एक मिनट लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखो। सो वी मैनेज टू गेट द रेडियस बाय कन्वर्टिंग द डायामीटर टू द रेडियस एंड मोर ओवर वी आर कन्वर्टिंग द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, राइट। नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। इस पेंसिल को बनाने के लिए जितनी वुड का यूज हुआ, एक तो हमें वो निकालना है, सेकेंडली द ग्रेफाइट which is used to make this pencil that we have to find. आपको याद होगा to use the wood that's been used to make this pencil will be total pencil में से ऐसे graphite को उठा के बाहर कर दो, that whatever will be left that will be wood. So how to find the volume of the wood? Volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. So volume of wood pi capital R square h माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसमें से पाई एच कॉमन ले लो, इनसाइड वी आर हैविंग आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
taking pi h as common, capital R square minus small r square. Pi ki value 22/7, h you are having 14, capital R square 0.35 square, small r square 0.5 square. ये कटा ये 44 हो गया एंड दिस विल बी 0.1225 माइनस दिस विल बी 44 इनटू 0.12 आ जाएगा आपके पास माइनस करके. ये कैसे किया? इसका स्क्वायर करके. ये वाला, ये तो इसका फॉर्मूला है पाई. पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू. यहां तक कैलकुलेशन ठीक है ना? दिस इज 5. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द पेंसिल. बेटे कोई फायदा नहीं है ऐसे क्लास में, इसे अच्छा तो हम लगाए ना क्लास. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड दैट हैज बीन यूज्ड टू मेक द पेंसिल. नाउ यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट एंड दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दिस इनर सिलेंडर विद रेडियस 0.05 एंड हाइट 1. लिख लो volume of graphite is equal to pi small r square h. Put karo values and get the answer. 0.11. After solving you will get it to be like this. R aapke paas hai, h hai, replace the values, you will get the answer. Let us do question number 8. A patient in a hospital is given daily the soup daily in a cylindrical bowl, diameter 7 cm, and bowl is filled up to the height of 4 cm. Cylindrical bowl hai, jisme ki soup jo hai, it is given to the patient. कितनी हाइट तक सूप डाल के दिया जा रहा है? जा रहा है 4 cm हाइट तक. ठीक है, इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि कुछ हो रहा है क्लास. कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग 4 cm की हाइट तक जो है दिस सिलेंड्रिकल बाउल इज फिल्ड विद सूप. तो वी वांट टू फाइंड दैट हाउ मच सूप विल बी प्रिपेयर्ड बाय द हॉस्पिटल टू प्रोवाइड इट टू 250 पेशेंट्स. तो सबसे पहले एक पेशेंट के लिए निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम. क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे? पाई आर स्क्वायर एच. आर किसको लोगे? 3.5 7/2 और हाइट. एक पेशेंट के लिए सूप की क्वांटिटी आ जाएगी. हमने कितने पेशेंट के लिए निकालनी है? उसको 250 से मल्टीप्लाई अपने आप करो. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.7. Exercise 13.7. We will see the application of the volume of right circular cone. 13.7 is the application of volume of right circular cone. And the formula we did it was 1/3 pi r square h.
वन बाय थ्री. बेटे क्या हो गया इधर से गर्ल्स? लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. लास्ट बेंच सिट प्रॉपरली. लास्ट बेंच सिट प्रॉपरली. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. कीप क्वाइट नाउ. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग विद रेडियस 3.5 एंड हाइट 12. वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम सेकेंड पार्ट है फर्स्ट का. हाँ जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पुट कर दो वैल्यूज. आर स्क्वायर एच स्क्वायर. सॉल्व करो इसको. यू विल गेट द आंसर आफ्टर सॉल्विंग. क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड पार्ट. हाइट 12 स्लांट हाइट 13. हाइट इज 12 स्लांट हाइट इज 13. बेटे लिख लो साथ साथ समझ लो कुछ और पीछे से प्लीज नो टॉकिंग एट ऑल. अभी भी बातें हो रही है बैक बेंचर्स. हियर हाइट इज 12 एंड स्लैंट हाइट इज 13. वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम. याद रखना वॉल्यूम में स्लैंट हाइट का कोई वो रोल नहीं होता. रेडियस एंड एच का रोल होता है. तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे यूजिंग द रिलेशन. सो राइट डाउन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस वी नो. एल स्क्वायर is equal to h square plus r square. This is the relation between l, h and r. Put karo values. L is 13 square. 12 square plus r square. Second ka second part. Pride bar chale jao bete class me. Nahi agar chup karke baitha jata. This is 169. R comes out to be 5. After solving, you are having radius equal to 5. After solving, the radius will come out to be 5. You want to find the capacity, that means volume. This is equal to 1/3 pi R square H. Pi 22/7. R square means R do bar. H is... लिखो साथ साथ. बेटे क्वाइट. आपने चुप करना है राघव के नहीं. वन सिक्सटी नाइन ही है. बहुत ही बुरा हाल. एक मिनट नहीं चुप करते. ये आपके पास इसका कैपेसिटी आ जाएगी एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स डिवाइड बाय 1000. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. यस देखिए दो चुप कर दे. दो बोले लग मतलब है ही नहीं इनको. The height of the cone is 15 centimeter. Cone's height, लिख लो चतन्ने को साथ साथ. 15 centimeter.
एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1570। कौन की हाइट दी हुई है, उसकी वॉल्यूम दी हुई है। एंड पाई को 3.14 यूज करते हुए वी वांट टू फाइंड इट्स रेडियस। बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है सेकंड लास्ट फ्रेंच दीपाली एंड दिस गर्ल, कंटीन्यूअसली यू आर लाफिंग। दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570। या व्हाट यू सी 1/3 3.14 रेडियस हमें फाइंड करनी है, हाइट इज गिवन टू बी 15। आर स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 × 3 3.14 × 15। सॉल्व इट, गेट आर। R comes out to be 10. After solving, question number 4. Fourth question. Volume of a right circular cone of height 9 cm is given to be 48 pi. Volume is given to be 48 pi. Volume के नीचे volume का formula. Height is given to be 9 cm. Volume given है. हाँ. Height is 9 cm and we need to find the diameter of the base. Pi की value put मत करना. Pi से pi get cancelled. 3 3s are 9. So r square is note करो साथ साथ. 45 pi get cancelled. 3 3s are 9. R is 4. Diameter उसका double 8. मैं सच्ची बता रही हूँ, दोनों के घर आज फोन जाए। Please please shut your mouth. Shut your mouth. Here they are out home. Question number 5th. You just waited, watch. Excess of everything is bad. You just see now what will happen tomorrow. Shut your mouth here out only. यहीं पे चुप। डायमीटर निकालना, डबल ऑफ रेडियस 8। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। कॉनिकल, लुक एट योर बुक्स ऑल ऑफ यू व्हेनेवर आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। Conical pit of diameter 3.5 meter is 12 meter in height. Find the capacity in kiloliters. ये अपने आप करोगे, वॉल्यूम निकालना है. This you will do yourself. Question number 6. अरे आप भी एक मिनट नहीं चुप करते क्लास में, एक मिनट. Yes ma'am, तो तेरे को कल मैं बताऊंगी yes ma'am के no ma'am जब parents आएंगे. ठीक है ना, याद रखना ये बात. Question number 6. Wear your mask properly.
अपना मास ठीक से डालो, वियर योर मास प्रॉपरली. यस. क्वेश्चन नंबर सिक्स, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज गिवन टू बी 9,856 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 28. वॉल्यूम इज गिवन टू बी 9,856 एंड डायमीटर इज गिवन टू बी 28. यहां से रेडियस आ गया 14. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द हाइट. फॉर्मूला यूज करो, 1/3 πr² h इज 9,856. 1/3 × 22/7 आर स्क्वायर मींस 14 टू टाइम्स इनटू h 9,856. सॉल्व एंड गेट h फ्रॉम हियर. सॉल्व एंड गेट h. h कितना आ रहा है? After solving, H will be 48. First is find the height. So we have find out height and it comes out to be 48. Next is to find slant height. Relation between L, H and R. L square equal to H square plus R square. Replacing the values, L we want to find, H is 48 square, R is 14 square. Solve and get L. अभी भी देख लो, अभी भी इनको मतलब एक बार अभी बोल रहा है, बीच में बोल ही जाना इन लोगों. सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, स्लांट हाइट निकालनी. 48 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर करो, ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट निकालो, यू विल गेट एल. डू द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 48. इसका 2304 प्लस दिस इज 196. आई थिंक 2500 इट विल बिकम. Slant height comes out to be 50. बोलो किसके. नवनूर नहीं है और अर्शदीप है, गरिमा भी है. कोई मेरी क्लास से रिसेस में किसी को पनिशमेंट इज दिस दैट नोबडी विल गो आउट. नो